श्री राधा जी के जन्म उत्सव के दूसरे दिन भाद्रपद शुक्ल नवमी को दीर्घ कर्म महोत्सव विगत कई वर्षों से श्री राधा कृष्ण मंदिर गीता वाटिका में बड़े ही धूमधाम से मनाई जाती है। इस परंपरा की शुरुआत गीता वाटिका परिसर में भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार द्वारा शुरू किया गया था। तभी से इस परंपरा को मनाने की प्रथा गीता वाटिका में चली आ रही है। जन उत्सव मनाने की प्रक्रिया में भक्तगण मंदिर परिसर में इकट्ठा होते हैं और राधे कृष्ण के गान करते हुए दधिक कर्म महोत्सव में शामिल होते हैं। दही केसर कपूर और हल्दी जी के मिश्रण से भजन गाते झूमते भक्त एक दूसरे के ऊपर मिश्रण धारे की मिट्टी को घड़े में भरकर एक दूसरे के ऊपर फेंकते हैं। माना जाता है कि इस जिन भक्तनों के ऊपर ये मिश्रण पड़ता है उनका कल्याण श्री राधा कृष्ण करते हैं। इस उत्सव में शामिल होने के लिए भारी संख्या में महिलाएं और पुरुष आते हैं, एक साथ मिलकर भजन गाते हैं, लेकिन दधिक कर्म महोत्सव में पुरुष ही शामिल होते हैं, महिलाएँ इस उत्सव से दूर रहती हैं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज़ संवाददाता से बात करते हुए श्री राधा भक्तों ने कहा। Thank you.
जलान, मैं राहुल जलान हूँ यहाँ का निवासी और मैं मतलब बचपन से ही जुड़ा हुआ हूँ गीता वाटिका के हर एक अवसर पे मैं आता हूँ। तब वह कल राधा अष्टमी मनाई गई थी, उसी के अगले दिन आज के दिन हम दधिकांध महोत्सव बनाते हैं जिसमें दधी की इसकी होली खेली जाती है, जो जिसमें दही कपूर केसर और मिला के केसर और हल्दी मिला के हम इस उत्सव को बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। ये हर साल गीता वाटिका गोरखपुर में मनाई जाती है। अनिता श्रीवास्तव, राधाष्टमी का राधा के जन्म का उत्सव है तो आज जो है दूसरे दिन सब गोपी आते हैं तो गोप लोग दही में हल्दी केसर कपूर मिला के उत्सव मना रहे हैं। मक्खन मिश्री का प्रसाद मिलता है ना, जन कल्याण के लिए है। हाँ, भगवान का सब उत्सव जन कल्याण के लिए। इसको पोदार जी ने शुरू किया था, हनुमान प्रसाद पोदार ने, तो उन्होंने मूक बधिर अंधों सबकी सेवा की, बाढ़ पीड़ितों की सेवा की। तो भगवत ऐसा है ना, समाज के कल्याण के लिए काम है, यह ईश्वर के से लगने के लिए है। हमको हो गया 30 साल है यह सुनना, 50 साल से राधाष्टमी का उत्सव मनाया जा रहा है। हमारा नाम है सर्व पालक माधव दास। ये राधा रानी के लिए दधि उत्सव मनाया जाता है जो कि राधा रानी के प्राकट्य के अगले दिन मनाया जाता है, और इसका जो भी दधि उत्सव होता है, जो भी बूंद पड़ता है उस जीव का उद्धार निश्चित होता है। अभी जैसे ये हम लोग मना के निकले हैं तो ये जो मना के निकले हैं इसे ये जो दधि और उसमें हल्दी और सेंट ये मिला हुआ है, कपूर इसमें मिला हुआ है, ये राधा रानी को अर्पित करके हमारे ऊपर छिड़का जाता है जिसके उस जीव का कल्याण निश्चित हो। ये यहाँ गीता वाटिका गोरखपुर, ये सन ये कई सालों से 68 से पहले के।